तो जैसे जैसे समय के साथ हम बड़े होते जाते हैं ना, तो हमारे विचार, हमारी जिम्मेदारियाँ भी बड़ी होती जाती हैं। तो जैसे फ़ोन को आप टाइम टू टाइम रिफ़्रेश करते हैं फॉर बेटर एफिशिएंसी, तो उसी तरह खुद को भी टाइम टू टाइम रिफ़्रेश करना ज़रूरी है फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो ये देखो, संडे मॉर्निंग सेलिब्रेशन चल रहा है और इन्होंने बना दिया लॉबी को प्लेग्राउंड। ये देखो, डैड वर्सेस सन चल रहा है मैच। मन्नू, सामान टूटेगा। तो आज मन कहता है इट्स मी टाइम, तो आज कोई काम नहीं, आज ब्रेक, क्योंकि अगले संडे भी हमारा फुल डे ड्यूटी का चलना है। तो आज के संडे में टारगेटेड टास्क कुछ नहीं है, बस रूटीन वाले काम हम करेंगे। और फिलहाल हम नहा लो बेटा, जल्दी से एक शावर ले लो, हम जल्दी से माता रानी के पास जा रहे हैं। सो हैलो एवरी वन इन अनदर व्लॉग। तो इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहेंगे रिलेटेड टू चाइल्ड केयर, पेरेंट केयर, और मेनली इज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, कि घर और जॉब को साथ साथ आप लेकर के कैसे एक परफेक्ट लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में ना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल एंड शो योर लव फॉर द चैनल। तो फिलहाल आज के संडे में कोई टारगेटेड टास्क नहीं है, हम जा रहे हैं घूमने। तो हो के आते हैं माता के दरबार में, क्योंकि आज लिया है ब्रेक। तो ये हम जा रहे हैं अपनी कॉलोनी से बाहर, क्रॉस होके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। जय माता की। पहुंच गए हम मंदिर, और ये बहुत सुंदर मंदिर है, एकदम शांत, और मान्यता बहुत है इस मंदिर की। ये देखिए, ये देखिए, और आज तो ना मौसम भी बहुत अच्छा है, तो सोचा आज बहुत थक गए हैं, माता रानी को हाथ जोड़ाते हैं, और टारगेटेड काम प्लान नहीं किए, आज हम आए हैं माता के दर्शन के लिए। बहुत सुंदर सा मंदिर है, यहाँ पर काफी स्पेशियस है, ठंडक है। मंदिर की मान्यता बताते हैं यहाँ की, काफी हम लोग को पता नहीं था हमें कि काफी मन्नत वाला मंदिर माना जाता है इसको ना, मान्यता। हाँ, हाँ, जी जी। अब देखो इतना रुद्रपुर में एक से एक विशाल मंदिर है, लेकिन जो है यहाँ भी माँ की कृपा है, यहाँ भक्त लोग वहाँ से बहुत आते हैं, भंडारा भी करते हैं आकर, और जो है आते रहते हैं, तो माँ की कृपा तो चली रही है। वैसे इसकी कहानी क्या है? वैसे वैष्णो माँ की शक्ति है। अच्छा, वैष्णो माता के इसमें। अच्छा, और जो है यहाँ पर पहले सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के शुक्ला जी थे। हाँ। तो वो यूनिवर्सिटी में हमारे सिक्योरिटी में थे। हुँ। तो वो यहाँ उस समय जंगल था, पीपल था ये, तो उसके नीचे बैठ के ध्यान करते थे। अच्छा। तो माँ ने दर्शन दिए और कहा कि मैं इस नाम से प्रकट हो रही हूँ, तू मेरी सेवा करना। अच्छा। और जो भी आएगा मेरा आनंद ही ना होगा, मैं वैष्णो की शक्ति हूँ, और जो है उसकी सभी कामना पूरी होगी, सच्ची भावना से आएगा। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड को दर्शन में बोला कि मेरा मंदिर बनाओ। जी जी जी। हाँ। तो जो है उन्होंने फिर यहाँ के बंता सिंह थे यहाँ पर उस समय अधीक्षक। हाँ। तो उनके कहा उन्होंने कि चलो हम आपका सहयोग करेंगे। अच्छा। तो ऐसे करके धीरे धीरे उसका विकास हुआ। अच्छा। पहले तो पेड़ के नीचे ही था ना। हाँ। छोटा सा पेड़ के नीचे थी ये गुफा जैसी थी, उधर से भी यहाँ दिखाई दे रही। अच्छा। हाँ, तो ये आनंदी माता है, ये है रूपन का। हाँ। और ये ज्वाला माता है। अच्छा, ज्वाला देव। जी जी। तो माँ की कृपा जो है। और मैंने सुना कि जैसे संतान प्राप्ति के लिए भी लोग आते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ है? जी जी जी, ऐसा भी, ऐसे भी बहुत आए, और हमारे सामने ऐसा हुआ है बहुत कुछ, तो उनका कोई संतान ही नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मनोती मांगी, तो उनका बेटा हुआ, तो उन्होंने भोले का परिवार लगाया ला कर। अच्छा, वो किनारे पे। हाँ हाँ हाँ। मंदिर जो बाद में बना, 35,000 की वहाँ से लाए थे, जयपुर से अपनी स्वयं गाड़ी से गए थे। मूर्ति। अच्छा।
तो इस मंदिर की प्रसिद्धि ना काफी दूर दूर तक है और श्रद्धा से आप जो भी मन्नत मांगते हैं पूरी होती है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। और देखिए कितना सुंदर है ये मंदिर, चारों तरफ हरियाली और बहुत बड़ा खुला एरिया है। तो बाकी दिन तीज त्योहारों में तो बहुत भीड़ रहती है, लेकिन आज संडे मॉर्निंग 7:30 बजे हम मंदिर आ गए थे, तो बस पूजा हो रही थी तो हम इसमें शामिल हो गए। हमें ये शुभ मौका मिल गया डायरेक्टली आरती करने का मंदिर पे, तो वहाँ पहुँच कर पंडित जी के साथ हमने किया पूजा पाठ। जब मंदिर जाना हो ना तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाना चाहिए, तो हम लोग भी 7:30 बजे चले गए थे कि नाश्ता फिर आ करके देखेंगे। तो नहा धोकर के पूजा पाठ के बाद हमारा अचानक से प्लान बना, हम मंदिर चले गए और यहाँ जाकर के वाकई में बहुत अच्छी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स तो होती ही हैं मंदिर में, और ये तो इतना खुला और हरियाली वाला एरिया है कि वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये शिव भक्ति करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो गया, माता रानी की आरती में हम शामिल हो गए, तो यानी ये जो ब्रेक था, एक रिफ्रेशमेंट वाला टाइम था, ये बहुत ही अच्छा हो गया। यानी इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम रिफ्रेश हो गए। तो पहुंच गए हैं भाई पूजा से घर, मंदिर से घर। ब्लू ब्लू येलो येलो कॉम्बिनेशन आ जाए। और आज का ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। जोशी जी बोला कि मैडम आप छुट्टी करिए, आज नाश्ता हम बनाएंगे। आज हम बनाएंगे, हम हमने एक ही बनाई है, मैगी 2 मिनट वाली। तो ये हम बना रहे हैं वेज मैगी, बढ़िया से इसमें सारी वेजिटेबल्स कट हो गई हैं, ये फ्राई हो गई हैं सारी वेज, और डालेंगे बढ़िया से मैगी। तो जोशी जी बना रहे हैं आज मैगी, और साथ में दादा लोग नहीं खाते मैगी तो उनके लिए हमने ब्रेड ले लिया, क्योंकि टाइम आते ऑलरेडी हमको 10:30 हो गया है, तो इसके बाद जल्दी से हम बना लेंगे दाल चावल। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा मैगी, थोड़ा सा ब्रेड। सो इट वॉज अबाउट संडे स्पेशल ब्रेक डे, आज था वी टाइम। तो आज कोई टारगेट नहीं किया, बस ब्रेकफास्ट करेंगे, नॉर्मल वाले रूटीन के काम करेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना आप भूल जाते हैं तो प्लीज पहले लाइक कर दीजिए, बस एक लाइक बटन ही तो हिट करना है, और सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसे नहीं जाते हैं, फ्री का है भाई, प्लीज कर दो। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद द बी विद विनो बी विद विनो। थैंक यू, मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।